आपने कभी सोचा है कि आपकी नाक, आंखें, कान और त्वचा का रंग ऐसा क्यों है? क्या आप जानते हैं कि आप में इनमें से कौन से लक्षण आपके पिता से आए हैं और कौन से आपकी माता से? '1866 में ग्रेगर जॉन मेंडल नामक एक ऑस्ट्रियन पादरी भूरी ने इस बारे में अपने निष्कर्षों को प्रकाशित किया कि किस प्रकार संतति में लक्षण अपने माता पिता से आते हैं। उनके ये निष्कर्ष मटर के पौधों में एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में वंशागति के विन्यास पर आधारित थे। मेंडल ने मटर के पौधों में 7 अलग अलग लक्षणों की जांच की। उन्होंने पाया कि प्रत्येक लक्षण के 2 अलग अलग रूप होते हैं और जब एक व्यक्त होता है तो दूसरा छिपा रहता है। जब उन्होंने केवल पीले बीज पैदा करने वाले पौधों का पर परागण केवल हरे बीज पैदा करने वाले पौधों के साथ कराया तो मेंडल ने पाया कि प्रथम पीढ़ी की संतति के सदैव पीले बीज होते हैं, प्रथम पीढ़ी में हरे बीज के लक्षण छिप गए। अगले चक्र में इन प्रथम पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण करवाया गया। द्वितीय पीढ़ी की संतति में पीले बीज वाले प्रत्येक 3 पौधों की तुलना में हरे बीज वाला केवल 1 पौधा था। वंशागति का यह पैटर्न मेंडल द्वारा खोजे गए सभी 7 लक्षणों में देखा गया। मेंडल ने यह भी पाया कि अगर किसी एक पीढ़ी में कोई लक्षण प्रकट नहीं भी होता है फिर भी यह अगली पीढ़ी में आ सकता है। मेंडल ने अनुभव किया कि माता पिता से संतति में लक्षणों के स्थानांतरण के लिए कुछ कारक उत्तरदायी हैं और कोई संतति प्रत्येक जनक से प्रत्येक लक्षण का केवल 1 रूप ही प्राप्त कर सकती है। आज वैज्ञानिक जानते हैं कि लक्षण एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जीनों के द्वारा स्थानांतरित होते हैं जिन्हें गुणसूत्रों द्वारा ले जाया जाता है। हम यह भी जानते हैं कि युग्म विकल्पी एक ही जीन के 2 अलग अलग रूप होते हैं और प्रत्येक जीव में प्रत्येक लक्षण के लिए 2 युग्म विकल्पी होते हैं। मेंडल के निष्कर्षों के आधार पर किसी विशिष्ट लक्षण के लिए संतति में प्रत्येक जनक से केवल 1 युग्म विकल्पी ही स्थानांतरित होता है। प्रत्येक जनक से कौन सा युग्म विकल्पी वंशानुगत होगा यह सिर्फ संयोग की बात है। जब किसी एक लक्षण के 2 युग्म विकल्पी एक जैसे ही होते हैं वे उस लक्षण के लिए समयुग्मजी होते हैं। जब किसी एक लक्षण के लिए दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग और भिन्न होते हैं तो वे उस लक्षण के लिए विषम युग्मजी होते हैं। संतति में प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है, चाहे संतति समयुग्मजी प्रभावी हो या फिर विषम युग्मजी। प्रभावी युग्म विकल्पी की उपस्थिति में अप्रभावी युग्म विकल्पी प्रकट नहीं होता है। अप्रभावी युग्म विकल्पी केवल तभी प्रकट होता है जब युग्म विकल्पी समयुग्मजी अप्रभावी हो। प्यूनिट वर्ग प्रत्येक जनक के अनुवांशिक योगदान के आधार पर किसी संतति में सभी संभावित लक्षणों का पता लगाने का सरल आलेखीय तरीका है। आइए कल्पना करें, सुदूर अंतरिक्ष में एलियंस में लाल आंखें भूरी आंखों पर पूरी तरह से प्रभावी हैं। ये लक्षण किसी लाल आंखों और भूरी आंखों वाले एलियंस की संतति में किस प्रकार स्थानांतरित होंगे? यदि एक जनक समयुग्मजी प्रभावी है और दूसरा समयुग्मजी अप्रभावी है तो संतति की पहली पीढ़ी प्रत्येक जनक से 1 युग्म विकल्पी प्राप्त करेगी। प्रभावी युग्म विकल्पी की उपस्थिति में अप्रभावी युग्म विकल्पी छिपा रहेगा, अतः संतति में लाल आंखें होंगी।
अब अगली पीढ़ी में यदि एक विषम युग्मजी प्रभावी एलियन एक दूसरे विषम युग्मजी प्रभावी एलियन से जनन करता है तो दूसरी पीढ़ी में तीन संततियों में लाल आंखें होंगी जबकि एक में भूरी आंखें होंगी। इनमें से एक समयुग्मजी प्रभावी होगा, दो विषम युग्मजी और एक समयुग्मजी अप्रभावी होगा।